बैंगन की सब्जी तो आपने कई बार बनाई होगी और खाई होगी, लेकिन आप एक बार इस तरीके से बैंगन बनाए, मेरी गारंटी है कि बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत स्वागत है। इसके लिए यहाँ मैंने लिया है छोटे साइज के हरे बैंगन। ये मार्केट में ईजिली मिल जाते हैं, और अगर ना मिले तो आप बड़े वाले बैंगन का भी यूज़ कर सकते हैं। बैंगन को यहाँ मैंने एक से दो बार अच्छे से धो लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बैंगन लेंगे और एक नाइफ लेंगे और बैंगन को बीच में से कट कर लेंगे। अब हम इसे दूसरी तरफ से भी कट कर लेंगे। दो बार आप इस तरीके से कट करेंगे तो आपके बैंगन चार टुकड़ों में इस तरीके से कट हो जाएंगे। तो हमें पूरा अलग नहीं करना है, हम इसके ऊपर वाले भाग से इसे जॉइंट ही रखेंगे। सेम तरीके से ही सभी बैंगन के पीछे वाले भाग से ही हम इसे दो कट लगा लेंगे, और इस तरीके से कट लगा करके हम बैंगन को चेक भी कर लेंगे कि बैंगन हमारे अच्छे हैं या ख़राब। और यहाँ पे मैंने सभी बैंगन को इस तरीके से कट लगा लिया है। आप चाहें तो डंडी को भी कट कर सकते हैं। और अब हम एक इस तरीके का तड़के वाला पैन लेंगे और इसमें दो चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन डालकर हम इसे मीडियम फ्लेम पे एक से दो मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। और अब आप देख सकते हैं बेसन हमारे अच्छे से भून गए हैं और इसका कलर भी चेंज हो गया है। बेसन से इस रेसिपी में बहुत ही बढ़िया स्वाद और फ्लेवर आएगी। और अब हम भुने हुए बेसन को साइड में रखेंगे जिससे ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी। और एक दूसरा बर्तन लेंगे और अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले एक से डेढ़ चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। तीखे के लिए हम इसमें एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक से डेढ़ चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे जिससे बहुत ही बढ़िया धनिया का इसमें स्वाद आता है। और अब हम इसमें एक चम्मच इस तरीके से हाथों से मसलते हुए कसूरी मेथी डालेंगे। एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। एक चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे। एक चौथाई चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। और अब हम इसे और भी ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट बनाने के लिए हम इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला डालेंगे। और अब हम इसमें एक से डेढ़ चम्मच दरदरा कुटा हुआ अदरक, लहसुन, हरी मिर्च डालेंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें भुने हुए बेसन को भी डाल देंगे और चम्मच से ही सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे मसाले आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और इसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगी। और अब हम इसमें दो चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। आप कोई सा भी फ्लेवर का कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सरसों तेल से मेरी गारंटी है कि ये रेसिपी और भी ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट बनेगी। और अब हम इसमें एक से डेढ़ चम्मच और पानी डालेंगे। पानी डालकर हम इसे अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे और इसका बहुत ही बढ़िया गाढ़ा और थिक पेस्ट बना लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे मसाले काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कटे हुए बैंगन लेंगे। यहाँ मैंने बैंगन को पहले से ही धो के काटा था। अगर आपने पहले नहीं धोया है तो आप इसे कट करके भी धो सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, हाथों से थोड़ी थोड़ी मसाला लेकर के बैंगन में जो हमने कट लगाया था उसके अंदर मसाले को स्टफ़ कर देंगे। इस तरीके से बैंगन को अच्छे से हम दबाते हुए इसमें मसाला भरेंगे जिससे बैंगन के अंदर मसालों का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगी। और अब हम सेम तरीके से दूसरे बैंगन के भी अंदर अच्छे से इस तरीके से मसाला भर देंगे। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी और वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लग रही हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और इस तरीके से यहाँ मैंने सारे बैंगन में मसाले भर ली हूँ। तो चलिए अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं और बचे हुए मसाले को हम साइड में रखेंगे। और अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें एक से दो चम्मच हम सरसों का तेल डालेंगे। इस रेसिपी को आप सरसों के तेल में बनाएंगे तो इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है।
और अगर आपको सरसों का तेल नहीं पसंद तो आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। और अब हम तेल में एक छोटे चम्मच 5 फ़ोरन डालेंगे और एक तेज़पत्ता डालेंगे और अब हम एक मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। इन सभी को डालकर गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हम प्याज को अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे, जिससे प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाएगी और हम इसे सुनहरा कलर आने तक अच्छे से भून लेंगे या फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो ये बहुत ही झटपट और इंस्टेंट बन के तैयार हो जाती है और खाने में तो ये बहुत ही लाजवाब लगती है। और अब हम क्या करेंगे, प्याज हमारे भुन गए हैं तो हम इसमें एक एक करके मसाले वाले बैंगन डालेंगे। बैंगन डालकर 20 से 25 सेकंड के लिए गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पर हम बैंगन को अच्छे से प्याज के साथ चलाते हुए अच्छे से उलटते पलटते हुए सेक लेंगे। और अब आप देख सकते हैं बैंगन को भूनते हुए लगभग 1 मिनट हो गए हैं और बैंगन का कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। हम इसे इस तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे, जिससे बैंगन सभी तरफ से अच्छे से सिकेंगे। और अब हम इसे ढक कर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट हमारे हो गए हैं और अब आप देख सकते हैं बैंगन काफ़ी अच्छे से पक भी गए हैं और ये सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो इस स्टेज पे हम इसमें बचे हुए मसाले डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बारीक कटे हुए 2 मीडियम साइज के टमाटर डालेंगे और इसे भी हम हाई फ्लेम पर 20 से 25 सेकेंड के लिए टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे, जिससे टमाटर हमारे अच्छे से और इंस्टेंट सॉफ्ट जाएंगे। और अब आप देख सकते हैं कढ़ाई में मसालों के साथ बैंगन हमारे काफ़ी अच्छे से भुन गए हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालकर गैस का फ्लेम 20 सेकंड के लिए हाई कर लेंगे और पानी के साथ हम अच्छे से बैंगन और मसालों को मिलाते हुए भून लेंगे, जिससे मसाले हमारे जलेंगे नहीं और ये रेसिपी या सब्जी बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनेगी। और अब हम इसे ढक करके मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट हो गए हैं और अब आप देख सकते हैं मसाले और बैंगन हमारे काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और गल गए हैं। हम इसे बीच में से इस तरीके से दबा के देखेंगे और हमारे बैंगन अच्छे से अंदर तक पक गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 कप और पानी डालेंगे। यहाँ मैं इसे चावल के साथ खाने के लिए बना रही हूँ, तो आप इस तरीके से आप ग्रेवी वाला बनाएंगे तो ये चावल के साथ खाने में बहुत ही बढ़िया लगेंगे और आप रोटी के भी साथ इसे खा सकते हैं। पानी डालकर आप देख सकते हैं पानी में बहुत ही अच्छा सा बॉयल आ गया है, तो हम इसे कवर करके और 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं और अब आप देख सकते हैं हमारा ग्रेवी काफ़ी अच्छे से गाढ़ा हो गया है और बैंगन भी हमारी बहुत ही अच्छे से गल गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर बारीक कटे हुए हरा धनिया डालेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम इसे गर्मा गर्म रोटी, राइस, चपाती किसी के भी साथ खाए, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटी लगेगी। और आप इसे इस तरीके से बना करके स्पेशली लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, सभी को ये बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको वीडियो और रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से शेयर करें, जिससे मैं आप सभी के लिए और भी ऐसे ही ईजी और चटपटी रेसिपी लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ मैं आप सभी के साथ एक और नए रेसिपी में।